हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लेगी से कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाना। आजकल फ्रेंड्स क्या हो गया है कि सूट और सलवार पहनने तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, लोगों ने कुर्ती और लेगी पहनना शुरू कर दिए हैं। लेगी जो है काफ़ी कंफर्टेबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है, ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है, इसका फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए आजकल सब लेगी ही पहनते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, लेगी में कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, ये फट जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग इसे यूज़ नहीं करते, फेंक देते हैं। इसमें छेद भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, कट जाती है फ्रेंड्स ये, तो हम लोग इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखकर फ्रेंड्स आप इसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि इससे आप अपने अच्छे अच्छे घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आपको एक लेगी ले लेनी है। लेगी किसी भी कलर की आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेगी को फोल्ड कर लिया है और ये आसन वाली जो जगह है यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हैं। सीज़र लेकर आप इसको यहाँ से लेकर लास्ट तक इसको कट कर लेंगे। देखिए मैं कैंची की हेल्प से ही इसको काट लूँगी पूरा, और इसके दो पार्ट हो जाएंगे। जो इसका ऊपर का पार्ट है वो अलग हो जाएगा, और जो लेग वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स उसको हम काट करके अलग कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको काट लिया है, ये ऊपर वाला पार्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो इसका आसन है मैंने उससे इसको अलग नहीं किया है, वो जो जुड़ा हुआ था वो ऐसे ही जुड़ा हुआ है। दोनों साइड के जो इसके पार्ट हैं सिर्फ मैंने वो दोनों ही काटे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरी लेगी ख़राब हो गई थी, इसमें छेद हो गए थे, ये कट गई थी रखी रखी, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से तो अच्छा है मैं इसका किसी कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको सिल लूँगी, ये दोनों जहाँ पर मैंने कटिंग की है और जो ये छेद है मैं इनको भी सिल लूँगी। मैं इनको सुई की हेल्प से ही सिलूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मशीन जो है वो इस तरह के फैब्रिक पर नहीं चलती है। अगर इस तरह के फैब्रिक पर हम मशीन का यूज़ करते हैं तो कपड़ा कटने का डर रहता है और सिलाई जो है वो अच्छी नहीं आती है। तो मैं सुई की हेल्प से ही इसको अच्छे से सिल लूँगी, छोटा छोटा मैं टाँका लगाऊँगी जिससे ये काफ़ी मजबूत ऑर्गेनाइज़र बने और धागा निकल कर ये उधड़े ना और काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी सुई का यूज़ किया है, फोल वाली सुई नहीं लेनी है, वो काफ़ी बारीक होती है और वो चुभती भी रहती है इसको सिलाई करते टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको सिल लिया है। अब फ्रेंड्स मैंने एक पार्ट तो सिल लिया है और एक पार्ट मेरा अभी रह गया है। तो यहाँ पर जो इसमें आसन में छेद हो रहा था पहले मैं उसको कवर करूँगी, उसको मैं अच्छे से सिल लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप सिलना नहीं चाहते हैं तो आप ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं, उससे भी काफ़ी ईजीली ये चिपक जाएगी और काफ़ी ये मजबूत हो जाएगी और फटेगी भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट ये मेरे सिल चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आप इसका ऑर्गेनाइज़र कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कर लेना है फ्रेंड्स इसको सीधा, मैं इसको सीधा कर लूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो इसमें जो ये नाड़े दिए होते हैं इनको आप निकाल कर फेंका मत कीजिए, काफ़ी यूज़ के होते हैं, हमारे कई काम में आते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने अंदर कितना स्पेस है इसके। अब यहाँ पर मैं अपने जो मेरे एक्स्ट्रा दुपट्टे इधर उधर पड़े रहते थे मैं उनको इसमें भर लूँगी। कुछ कपड़े हैं जो मतलब मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ मैं उनको इसमें भी रख लूँगी। इसमें फ्रेंड्स आप अपने छोटे छोटे कपड़े, बच्चों के सॉक्स, निक्कर, छोटे छोटे बनियान वगैरह भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपने इसमें कपड़े अच्छे से सेट कर कर रख लीजिएगा और अपनी अलमीरा में किसी भी कोने में रख दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये डोरी दी गई है, जो ये नाड़ा है, इसको मैं ऐसे अच्छे से टाइट कर लूँगी जिससे इसका जो ये मुंह है ये अच्छे से बंद हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको अच्छे से खींच कर आप टाइट कर कर बंद कर सकते हैं और इस डोरी में नोट लगा सकते हैं जिससे कि ये कपड़े इधर उधर ना निकले। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आप भी अगर आपके घर पर कोई पुरानी लेगी पड़ी है जो बिल्कुल बेकार है, जिसको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको फेंकिएगा नहीं, बल्कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसका सेकेंड यूज़ मैं आपको बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर ले लेना है फ्रेंड्स आपको हैंगर। देखिएगा मैंने यहाँ पर एक हैंगर ले लिया है और मैं अब इसको अंदर की तरफ फंसा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी लूज़ है तो यहाँ पर आपको टाँका नहीं लगाना है। आप इसमें जो दोनों साइड के जो कोने हैं यहाँ पर आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। सेफ्टी पिन लगाने से ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और गिरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा आप इसमें कुछ भी सामान रखकर, हमारे गेट के पीछे की साइड कहीं पर हम खूंटी लगाए रखते हैं कुछ भी, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से टांग सकते हैं। इसमें आप कुछ भी भर सकती हैं, कुछ भी रख सकती हैं, निक्कर, हैंकी वगैरह, मास्क वगैरह, जो भी आपके छोटे छोटे कपड़े हों घर में इसमें आप अच्छे से भर सकती हैं। ये स्पेस भी नहीं ज़्यादा घेरेगा और इसमें सामान भी काफ़ी सारा आ जाएगा। तो देखिए मेरा ये सेकंड ऑर्गेनाइज़र कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है।
तो फ्रेंड्स मैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र बताती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स वो तो ऊपर का पार्ट था जिससे मैंने आपको दो तरह से यूज़ करना बताया था कि आप उसको दो तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये हो गया है लेग वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये लेग वाला जो पार्ट है मैं इसके नीचे की जो ये किनारी होती है मैं इसको काट करके सीज़र की हेल्प से अलग कर लूँगी। दोनों ही पार्ट को फ्रेंड्स मैं काट कर अलग कर लूँगी क्योंकि इसको मैं जब काट कर अलग करूँगी इसका भी मैं कुछ बनाऊँगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इसको आप जब कट करेंगे तो फेंकिएगा नहीं, ये भी काफ़ी यूज़ में आ जाता है फ्रेंड्स कभी कभी। देखिएगा अब मैं यहाँ इसको मेरी सीज़र थोड़ी सी कम चल रही है तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने यहाँ पर उसको काट लिया है, ये दो हो गए हैं, ये देखिए रबड़ बैंड की तरह ये हो गए हैं। अभी मैं इनको उठाकर अलग रखूँगी क्योंकि ये मुझे बाद में बड़े काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये लेग वाला जो पार्ट है मैंने नीचे से कट कर लिया था, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी कट कर लूँगी। ज़्यादा ऊपर से हम लोगों को कट नहीं करना है, थोड़ा नीचे से ही हमें कट करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कट कर कर जो आप सिलाई लगाएंगे वो मशीन से बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि मशीन से ये कपड़ा जो है कट जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर मैंने दोनों लेग के पार्ट को कट कर लिया है, मैंने इनको थोड़ा छोटा कट किया है। अब इनका मैं क्या करने वाली हूँ फ्रेंड्स, हम स्कूटी वगैरह चलाते हैं धूप में जाते हैं तो हमारे हाथों में हो जाती है टैनिंग, उसके लिए हम हैंड ग्लव्स लाते हैं मार्केट से। तो देखिएगा फ्रेंड्स आप घर पर ही अपने लेगी से ऐसे हैंड ग्लव्स बना सकते हैं जो बेकार लेगी हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ऐसे अंगूठा निकालने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट लगाऊंगी सीज़र की हेल्प से। कट आपको थोड़ा छोटा ही लगाना है क्योंकि जो ये लेगी का फैब्रिक होता है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है तो आप जब इसमें अपना अंगूठा घुसाएंगे तो ये काफ़ी चौड़ा खुद ही हो जाएगा। देखिएगा मैंने कितना छोटा सा छेद बनाया है, इसमें मेरी फिंगर भी आ गई है। अब देखिए मैं अपना अंगूठा इसमें डाल करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिएगा मेरा अंगूठा यहाँ पर आ गया है अच्छे से, ये मेरा कितना अच्छा हैंड ग्लव्स बनकर तैयार हो गया है। स्कूटी वगैरह पर जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, मुझे मार्केट से भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कलर भी पिंक है, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो देखिएगा कितना अच्छा बनकर ऑर्गेनाइज़र ये तैयार हुआ है, आप भी इसको ऐसे घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र बनेगा इन दुपट्टों के लिए। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है हम सूट पहनते हैं सूट तो हमारे फट जाते हैं लेकिन उनके दुपट्टे रह जाते हैं, दुपट्टे कई बार काफ़ी सुंदर होते हैं। ये देखिए जो मेरा दुपट्टा है रेड वाला इसका सूट फट गया था लेकिन दुपट्टा इतना सुंदर है इसको फेंकने का मन नहीं करता, तो हम इसको अलमीरा वगैरह में रखते हैं तो ये इधर उधर हो जाते हैं। फ्रेंड्स जब हम इनको यूज़ नहीं करते हैं तो हम इनको कैसे रखें तो वो मैं आपको बताती हूँ। लेगी का जो ये ऊपर वाला पार्ट था, हमने जो लेग वाला पार्ट तो नीचे से कट करके उसको हैंड ग्लव्स बना लिया है, ये ऊपर वाला पार्ट रह गया था तो इससे भी मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपको बना करके दिखाऊंगी। ये देखिएगा यहाँ पर आप इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा और जितने भी आपके ये दुपट्टे हैं आप इसको इसके अंदर डाल दीजिएगा। दुपट्टे हो फ्रेंड्स, छोटे मोटे कपड़े हो, कोई भी कपड़ा हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, आप इनको इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें जो हमारी शिफोन वगैरह की साड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेती हैं, वो भी बहुत अच्छे से इनके अंदर आ जाएंगी। ये देखिएगा फ्रेंड्स, और हम लेगी को फेंकेंगे भी नहीं और लेगी का रीयूज़ भी हो जाएगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरा, ये देखिए वो जो मैंने नीचे का पार्ट कट किया था ये बना लिया है मैंने इसका रबड़ बैंड। कितना अच्छा रबड़ बैंड बना है फ्रेंड्स, स्ट्रेचेबल होती है तो इसलिए हम इसका रबड़ बैंड भी बना सकते हैं। दो रबड़ बैंड मेरे ये बनकर तैयार हो चुके हैं यहाँ पर, ये देखिएगा। तो नेक्स्ट मैं बताऊँगी आपको इस तरह की बोतल लेकर। फ्रेंड्स इस तरह की बोतल जो होती हैं उनका जब हम तेल निकालते हैं कढ़ाई वगैरह में तो दो चार बूंद नीचे ही गिर जाती हैं तो हमारी बोतल भी गंदी हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा जो वो हमारे पास लेगी का थोड़ा सा पार्ट बचा था तो वो मैंने नीचे की साइड से सिल लिया था। यहाँ से देखिएगा कि मैंने एक साइड से सिल लिया था, सिल करके मैंने इसको बंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वो मैंने रबड़ बैंड बनाया था तो एक रब तो मैंने रबड़ बैंड हो गया और दूसरा जो था वो मैंने उसको बीच में से कट कर लिया है। बीच में से कट कर कर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं उसको मैंने जो अंदर की तरफ ये फोल्ड किया है तो मैं इसमें अंदर डाल लूँगी, जैसे कि हम नाड़ा डालते हैं सलवार में इस तरीके से मैं इसमें अंदर की तरफ डाल लूँगी। डालने के बाद फ्रेंड्स देखिएगा ये अच्छे से यहाँ पर हम अगर इसमें कुछ भी पहनाएंगे तो अच्छे से हम नोट लगा पाएंगे तो इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इस बोतल को ले लूँगी और इस बोतल को पहना दूँगी मैं इसको, तो ये बोतल का कवर बनकर अच्छा सा तैयार हो गया है ये देखिएगा। और यहाँ पर ये जो मैंने इसमें लास्टिक ये नाड़ा डाला था इसका मैं अच्छे से नोट लगा दूँगी जिससे कि ये निकले ना और इसको बिल्कुल अच्छे से फिट आ जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स कितना अच्छा मैंने यहाँ पर ये नोट लगा दिया है। तो देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरा ये गर्म पानी की बोतल को लेकर।
फ्रेंड्स हम गर्म पानी भरकर रख देते हैं। गर्म पानी हो फ्रेंड्स चाहे ठंडे पानी की बोतल हो, दोनों ही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप दूसरा जो मेरा पार्ट बच गया था उसको भी आप यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको पहना सकते हैं। कितना सुंदर कवर बन गया है फ्रेंड्स ये देखिएगा, और नोट लगा दीजिएगा जिससे कि ये फिसले ना। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा फ्री में ही हमारा जुगाड़ हो गया है घर पर ही, और हमारी जो लैगी थी वो भी हमारे यूज़ में आ गई है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।